नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फाउंटेन स्पेंसी रिव्यू चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंक की जो कि आपको बहुत कम दाम में मार्केट में मिल जाएगा और इसको आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी पैसा डालते हैं फाउंटेन पेन पर, उसके बाद उसके इंक पर, क्योंकि अच्छा वाला इंक थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत दिनों का आपका एक स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बॉटल आते हैं इंक बॉटल वो 30 ml से 50 ml के बीच में होते हैं, तो इससे आप काफ़ी दिन तक लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ कलर हैं जो डे टू डे यूज़ में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये बहुत एसेंशियल कलर होता है, जैसे कि रेड। तो वैसे आपको, जैसे हम मैंने पहले भी बोला है कि पर्कर की जो इंक आते हैं 60 rupees में, वो सबसे किफ़ायती वाला और सबसे अच्छा एक इंक है। लेकिन अगर आप रेड कलर का चूज़ करते हैं आपको लिखने के लिए, तब आपको पर्कर का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे जो ब्रांडेड है वहाँ पर, जिसके लिए आपको 450 से 500 रुपये भी देना पड़ सकता है। कभी कभी थोड़ा सा कम दाम में मिल जाता है जब ऑफर्स वगैरह रहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पर 400 के ऊपर ही आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी एक इंक है जो आपको बहुत ही कम दाम पर ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में आपको मिल जाएगा। हालांकि उसी कंपनी की ब्लू और ब्लैक जो है वो इतना खास नहीं है, लेकिन उसकी जो रेड है वो लाजवाब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैमलिन का ये रेड इंक के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लिख के कि इसकी जो रेड है वो कितना अच्छा है। तो ये जो है ये आपका डाई बेस्ड इंक है, जिसमें आपको 60 ml मिलेगा। पर्कर का 30 ml का आता है, इसमें आपको 60 ml मिलेगा। और देखिए चौंकाने वाला जो है चीज़ है, इसकी प्राइस देखिए, ओनली 18 rupees, यानी लेस देन 20 rupees में आपको ये मिल रहा है। और हालांकि हम लोग रेड को इतना यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए एक लेंगे तो आपको कई साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी खरीदा, अराउंड 3-4 साल हो गए मेरा, देख सकते कितना खर्चा हुआ है, खर्चा ही नहीं हुआ है। ये भी और भी ये 10 साल जाएगा शायद। तो वैसे ही आप कैमलिन का ये जो रेड इंक है, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। इसकी जो इंक है, इसके कलर बहुत ही बढ़िया कलर है, और वो हालांकि जो डाई बेस्ड होते हैं वो उतना वाटर रेसिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें वाटर ना गिरे, वाटर ड्रॉप ना गिरे, तो ये बहुत लंबे वक्त तक ये कागज़ में लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसकी इनके जो लिखने के बाद वो दिखता कैसा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई है। तो मैं इसमें आपको रेडिंग के दिख सकते हैं, और ये पेन जो है ये भी एक कैलीग्राफी पेन है, ताकि कलर आपको अच्छा समझ में आए, इसलिए मैं कैलीग्राफी पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और चलिए थोड़ा ड्रिप कर लेता हूँ इसमें, ये मैंने ड्रिप कर दिया। तो अब चलिए देखते हैं। नहीं आ रहा है, देखिए कितना अच्छा कलर है ये, कितना अच्छा लिखता भी है। तो दोस्तों सिर्फ 20 rupees पर ये एक बहुत ही बेहतरीन परचेस होगा, अगर आप अपने जो फाउंटेन पेन हैं उनके लिए कैमलिन का ये रेड इंक लेते हैं, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो नीचे मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ऑनलाइन से मत लीजिए, क्योंकि 20 rupees के लिए आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, और ये ग्लास बॉटल में है ये देखिए, जिसके कारण आपको ये जो प्रोडक्ट है वो डैमेज भी हो सकता है, और दूसरे सामान के साथ लाएंगे तो टूट के दूसरा सामान भी आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों लोकल मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो कृपया ज़रा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिले। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।